हजारीबाग लोकसभा के पूर्व सांसद सब पूर्व वित्त एवं विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने 9 नवंबर 1942 की काली रात की याद को दोहराया, जब ब्रिटिश हुकूमत को मात देते हुए हजारीबाग सेंट्रल जेल को अपने 5 साथियों के साथ जेल तोड़कर अंग्रेजों के मुंह पर जोरदार तमाचा चढ़ा था। इस पावन अवसर पर यशवंत सिन्हा ने जय प्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार परिसर स्थित स्थापित महामानव जय प्रकाश नारायण की भव्य प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आज का दिन हम हजारीबाग वासियों के लिए बहुत बहुत ही गर्व का दिन है। 9 नवंबर 1942 की दीपावली का दिन था, जब जय प्रकाश नारायण अपने 5 सूरवीर साथियों के साथ, जिनमें मुख्य रूप से योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, सालिग्राम सिंह तथा गुलाबी सुनार के साथ सेंट्रल जेल की ऊंची दीवार को फांद कर और सलाखों को तोड़ते हुए अंग्रेजों की कैद से फरार हो गए। फरार होने के उपरांत पुनः भारत माता की आज़ादी के संग्राम में अपनी सक्रिय भूमिका में आकर आज़ादी की लड़ाई को धार देने के काम में जुट गए। जेल से फरार होने की पूरी योजना प्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी के निर्देश पर बनी और सफल भी हुई। कुछ समय बाद पुनः जय प्रकाश नारायण को अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उन्हें भीषण यातना दिया गया, मगर वह आज़ादी की लड़ाई लड़ने में कभी भी पीठ नहीं दिखाई। ऐसे सूरवीर का नाता इस हजारीबाग की पावन धरती से जुड़ा हुआ है, यह हम सबके लिए गर्व की बात है। और आगे उन्होंने कहा कि इसी कारण से हम हजारीबाग के लोगों का परम कर्तव्य बनता है कि आज के दिन और 11 अक्टूबर के दिन को विशेष रूप से गर्वपूर्वक याद इस महामानव के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रोफेसर सुरेंद्र सिन्हा, क्यूम अहमद, विवेकानंद सिंह, शिवशंकर प्रसाद गुप्ता, केपी ओझा, प्रफुल्ल कुमार, प्रियवंदा कुंवर, मनोज सिंह, दीपक नाथ सहाय, हर्ष अजमेरा, बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित थे। हजारीबाग ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। और आप सब जानते हैं आज का इतिहास, जेपी अपने 5 साथियों के साथ आज ही के दिन, इस समय तो 1942 में आज का दिन दिवाली का दिन है, जहाँ जेल में जश्न मनाया जा रहा था दिवाली का, तो अपने 5 साथियों के साथ वो जेल की ऊंची दीवार फांद कर और यहाँ से उन्होंने जेल की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया था। बाद में वो पकड़े गए और बहुत ज़्यादा उन्होंने यातना सही अंग्रेज़ों की। मैं तो उस समय एक छोटा बच्चा था, लेकिन जेपी की इस कहानी को हम लोग इतिहास के उन अध्यायों में पढ़ते थे जिसमें एक व्यक्ति ने अदम्य साहस दिखाया, और हम हजारीबाग के लोगों का तो ये विशेष कर्तव्य बनता है कि हम लोग आज के दिन को याद रखें, 11 अक्टूबर जो उनकी जयंती है उसको याद रखें। तो और ख़ास करके इस केंद्रीय कारागार के साथ उनकी जो स्मृतियाँ जुड़ी हैं उसको जिंदा रखने का काम करें। सर, चुनाव आने वाला है, देख रहे हैं।